नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग प्लाटी टॉपिक पर, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पर, उसको भी आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको इस वेल्डिंग प्लाटी पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको दिखाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके वहाँ पे उन क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ धीरे धीरे। आप वीडियो को वहाँ पे पॉज करके पहले इनका आंसर दीजिएगा, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो आई होप आपने ऐसा किया होगा। चलिए, मैं अब चलता हूँ ट्रिक पर। ठीक, तो ये है हमारा ट्रिक। ठीक, पहले इस ट्रिक को आप जो है आप याद करिएगा। देखिए, ये पहला ट्रिक है, ये दूसरा ट्रिक है। आप पहला ट्रिक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार शब्द ही हैं, इनको आप याद कर लीजिए और आराम से ये आपको याद हो जाएगा। जैसे स्ट्रेट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी, स्ट्रेट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी, स्ट्रेट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी। अब मैं इस ट्रिक को आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो वेल्डिंग पोलैरिटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? स्ट्रेट पोलैरिटी और इसी को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड किस टर्मिनल से जुड़ा होता है? तो स्ट्रेट पोलैरिटी में जो है इलेक्ट्रोड जो है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। और जब इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो हमारा जॉब किस टर्मिनल से जुड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। तो ये था ट्रिक, और इसी माध्यम से आप देखिए इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो और यहाँ पे देखिए सेकंड वाला क्या है, रिवर्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलैरिटी। तो रिवर्स जो दूसरा जो पोलैरिटी होता है वो कौन सा होता है? रिवर्स पोलैरिटी, और इसको हम लोग और किस नाम से जाते हैं? पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो और रिवर्स पोलैरिटी में जो है इलेक्ट्रोड किस टर्मिनल से जुड़ा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब रिवर्स पोलैरिटी या पॉजिटिव पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो जॉब किस टर्मिनल से जुड़ेगा? निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो दोस्तों ये था वेल्डिंग पोलैरिटी से रिलेटेड बनने वाला क्वेश्चन, और इसको आप इस ट्रिक से देखिए कैसे याद कर पाते हैं। तो आप पहले आप 4-5-10 बार इस चार शब्दों को याद कर लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि आपने वेल्डिंग पोलैरिटी टॉपिक पहले से भी पढ़ा होगा तो आप याद कर पाएंगे। देखिए, स्ट्रेट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी, तो इसमें और यहाँ पे दूसरा क्या है? रिवर्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसी ट्रिक से देखिए हम जो क्वेश्चन आपको दिखाए हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वेल्डिंग में पोलैरिटी कितने प्रकार की होती है? पहला क्वेश्चन तो आपको पता है, दो प्रकार की पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी एक निगेटिव पोलैरिटी। तो निगेटिव पोलैरिटी को और किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी के नाम से। और पॉजिटिव पोलैरिटी को और किस नाम से जानते हैं? रिवर्स पोलैरिटी के नाम से। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? निगेटिव पोलैरिटी को और किस नाम से जानते हैं? तो निगेटिव पोलैरिटी को, हमारा ट्रिक क्या था? रिवर्स इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो इस ट्रिक में से आप इलेक्ट्रोड हटा दीजिए तो रिवर्स स्ट्रेट पोलैरिटी। तो निगेटिव पोलैरिटी को हम स्ट्रेट पोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? निगेटिव पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड किस टर्मिनल से जुड़ा होता है? तो हमारा ट्रिक क्या है? स्ट्रेट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी। तो इसमें से स्ट्रेट हटा दीजिए तो इलेक्ट्रोड हमारा किस टर्मिनल से, ट्रिक में क्या था? स्ट्रेट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी। तो निगेटिव पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड जो है किस टर्मिनल से जुड़ा होता है? निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
पाँच चौथा क्वेश्चन, निगेटिव पोलारिटी में जॉब किस टर्मिनल से जुड़ा होता है? तो हमारा ट्रिक क्या है, स्ट्रेट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलारिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जब निगेटिव से जुड़ा होता है तो निगेटिव पोलारिटी में जॉब किस टर्मिनल से जुड़ेगा, पॉजिटिव पोलारिटी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव पोलारिटी को और किस नाम से जानते हैं? तो हमारा ट्रिक क्या था, रिवर्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलारिटी। ठीक है, रिवर्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलारिटी था ना हमारा ट्रिक, तो पॉजिटिव पोलारिटी को और किस नाम से जानते हैं, रिवर्स पोलारिटी के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव पोलारिटी में जॉब को किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? तो हमारा ट्रिक क्या है, रिवर्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलारिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे जॉब के लिए पूछा है, तो हमारा ट्रिक में क्या है, रिवर्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलारिटी, तो यहाँ पे जॉब किस टर्मिनल से जुड़ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव पोलारिटी में इलेक्ट्रोड को किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? तो पॉजिटिव पोलारिटी को हम और किस नाम से जानते हैं, रिवर्स। तो हमारा ट्रिक रिवर्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलारिटी, तो पॉजिटिव पोलारिटी, तो हमारा इलेक्ट्रोड किस टर्मिनल से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिक, और इससे रिलेटेड जो है हम पोलारिटी से रिलेटेड जो भी पूरा क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व कराया, सात क्वेश्चन, इससे तो आठ क्वेश्चन बन सकते हैं, आठ या दस क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो चार नाम से ही बन सकता है कि निगेटिव पोलारिटी को स्टेट पोलारिटी कहते हैं, स्टेट पोलारिटी को निगेटिव पोलारिटी कहते हैं, रिवर्स इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोलारिटी कहते हैं, और रिवर्स पोलारिटी को पॉजिटिव पोलारिटी कहते हैं, पॉजिटिव पोलारिटी को रिवर्स, तो चार ऐसे ही बन गए। और चार कैसे, इलेक्ट्रोड को किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यहाँ पे जॉब को किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यहाँ पे जॉब को किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये ट्रिक को आराम से याद कर लीजिए, दिन में चार पांच बार इसको बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा जैसे मुझे याद हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये वीडियो कम से कम दो चार बार देख लीजिए, आपको ये ट्रिक और ये मेरा मेथड आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब तक आप दो चार बार देखेंगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। आप चार पांच बार वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप ये टॉपिक कभी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे उत्साह को और बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।